अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 63 एंड 112 का बाय डिवीजन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज होती हैं उन्हें हमें एक साथ ही डिवाइड करना होता है, कम्प्लीटली डिवाइड करना होता है। उसके बाद ही हम इसका एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ इस वक्त हमारे पास दो वैल्यूज हैं। सबसे पहले हम उनको इस तरह लिखेंगे 63 एंड 112, ठीक है। अब देखिए ये 63 के लास्ट में तो ऑड नंबर है, इसलिए वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो सकती, जबकि यहाँ पर हमें इवन नंबर नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू 2 से इजीली डिवाइड हो सकती है। तो सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। जो वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो सकती उसको हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। 2 के टेबल में 11 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 10 आता है 5 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया 2 के पास, अरे बन गया 12। 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 6 पे। अभी भी इसके लास्ट में इवन नंबर है, यानी कि वैल्यू अभी भी 2 से डिवाइड होगी, और 63 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए उसको हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। 2 के लेवल में 5 भी नहीं आता, उससे छोटा नंबर 4 आता है 2 पे। 1 रिमाइंडर है, वो चला गया 6 के पास, और बन गया 16। 2 के लेवल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। अभी भी हमारे पास इवन नंबर है लास्ट में, इसलिए 2 से ही डिवाइड करेंगे। 63 को हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। 2 के लेवल में 2 आता है 1 पे और 8 आता है 4 पे। अभी भी ये वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है, जब तक ये 2 से डिवाइड हो सकती है हम इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के लेवल में 14 बिल्कुल आता है 7 पे। अब 7 जो आपको पता है 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के डिजिट्स को प्लस करने के बाद ऐसी वैल्यू है जो कि 3 का मल्टीपल है, तो उसका मतलब होता है कि वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो अगर हम 6 प्लस 3 करें वो बनेगा 9, 9 3 का मल्टीपल है, यानी कि वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है। 3 के टेबल में 6 बिल्कुल आता है 2 पे, और 3 भी बिल्कुल आता है 1 पे। 7 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, उसको हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। 2 प्लस 1 3, यानी कि वैल्यू अभी भी 3 से डिवाइड हो सकती है। 3 के टेबल में 21 आता है 7 पे। यहाँ पे भी हमारे पास 7 है, 7 आपको पता है खुद एक प्राइम नंबर है, 7 को हमें यहाँ 7 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे, और यहाँ पे भी 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। यहाँ हम इन दोनों वैल्यूज को कम्प्लीट डिवाइड कर चुके हैं। अब हम इसका एलसीएम जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज को जिनसे हमने इन दोनों जो हमारी वैल्यूज थी उनको डिवाइड किया एंड तक, उन सबको कर देंगे मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कितने 2 है हमारे पास, 1 2 3 एंड 4। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद 1 2 जो है हमारे पास 3s हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। लास्ट में हमारे पास है एक 7। अब इन सबको हम करेंगे मल्टीप्लाई। 2 टाइम 2 इज 4, 4 टाइम 2 इज 8, 8 टाइम 2 इज 16, 16 टाइम 3 इज 48, 48 को मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ 3 से, वो हम रेफर में कर लेते हैं। 3 टाइम 8 इज 24 का 4 टू कैरी, 3 टाइम 4 इज 12 प्लस 2 14, और लास्ट में से मल्टीप्लाई करना है एक बार हमें 7 से। 7 टाइम 4 इज 28 का 8 2 कैरी, 7 टाइम 4 इज 28 प्लस 2 30 का 0 3 कैरी, 7 टाइम 1 इज 7 प्लस 3 10। तो हमारे पास यहाँ एलसीएम आ चुका है जो कि है 1008। देखा आपने कितनी जल्दी से हमने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया है 63 एंड 112 का। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर वीडियो को पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती है आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।